हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और इस क्वेश्चन ऑफ अ डे सीरीज के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी एक टॉपिक से, फिलहाल हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे PYQs जो एक टफ टाइप के क्वेश्चंस माने जाते हैं, जनरली बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसलिए कई बार वो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड कर जाते हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के हम यहाँ पर ये सीरीज चला रहे हैं। डेफिनेटली आपको मजा आ रहा होगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे बाकी सारे वीडियोस को एक्सप्लोर करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का जो है उसे डिस्कस करें। सो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन वाले कॉन्सेप्ट से है और इनटॉलरेंस मॉडल ऑफ सक्सेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी भी बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स को, तो उसमें आपने अलग अलग तरह के मॉडल्स के बारे में बात जरूर की होगी। यहाँ पर हमें टॉलरेंस मॉडल के बारे में पूछा गया है कि टॉलरेंस मॉडल के अकॉर्डिंगली एनवायरमेंट मॉडिफाइड बाय अर्ली ऑक्यूपाइंट में क्या देखने को मिलेगा। तो क्या है एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट, मैं चाहूंगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए देन आप क्या कर लेना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। सो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हम फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। याद रखें कि किसी बैरन एरिया के अंदर जो भी सबसे शुरुआती इंडिविजुअल्स हैं उन्हें पायनियर स्पीशीज कह दिया जाता है, या जो भी इंडिविजुअल वहां सबसे पहले इंक्रोच करते हैं उन्हें अर्ली सक्सेशनल स्पीशीज कह दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ESS, अर्ली सक्सेशनल स्पीशीज या अर्ली ऑक्यूपेंट करके जो क्वेश्चन में लिख रखा था वो। ऐसे ही जब अर्ली सक्सेशनल स्पीशीज किसी जगह पर ग्रो करेगी और उस जगह को मॉडिफाई करेगी, तो उसके बाद जो स्पीशीज वहां पर आती है उसे LSS कह दिया जाता है, लेट सक्सेशनल स्पीशीज। ओके, तो ESS और LSS का ये एग्जैक्ट मीनिंग है। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो शायद ऐसे कुछ टर्म्स आपको दिखाई दिए होंगे जैसे कि ESS और LSS, ये इसका मीनिंग है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। 3 प्रकार के मॉडल्स जनरली आप डिस्कस करते हो। एक है फैसिलिटेशन मॉडल, दूसरा है इनहिबिशन मॉडल और नंबर तीसरा है टॉलरेंस मॉडल। ठीक है, 3 मॉडल्स होते हैं। अब जब कभी भी आप देखेंगे, अगर हम ट्रेडिशनल सक्सेशनल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये कहा जाता है जो अर्ली सक्सेशनल स्पीशीज होता है ये एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई धीरे धीरे करेगा जो कि उसके लिए फायदेमंद होगी कुछ समय तक, एक टाइम के बाद वो उसके लिए कैसी हो जाएगी, अनफेवरेबल। So ESS will modify the environment and that environment will become unfavorable for that ESS species. But it turns favorable for LSS species. इसके लिए कैसा बन जाएगा, favorable बन जाएगा। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जो ESS species है वो environmental condition को modify कर रही है और modify करने के बाद हो सकता है वो environment उसके खुद के लिए क्या हो जाए, नुकसानदायक और किसी स्पीशीज के लिए फायदेमंद। ऐसे मॉडल को फैसिलिटेशन मॉडल कहते हैं, क्योंकि ESS किसको आने में मदद कर रहा है, LSS को, मतलब लेट सक्सेशनल स्पीशीज को। इसको कहते हैं फैसिलिटेट करना, कि आपके घर कोई मेहमान आया और आपने उसको कहा कि आओ बैठो, नाश्ता वाश्ता करो, आराम से नींद लेनी है नींद ले लो, सो जाओ, सब कुछ करो। ठीक है, ये है फैसिलिटेशन मॉडल, राइट। जबकि वहीं पर इनहिबिशन मॉडल में क्या देखने को मिलेगा, इनहिबिशन मॉडल में देखने को मिलेगा कि जो ESS स्पीशीज होगी ये एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करेगी और हमेशा जो भी स्पीशीज एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करती है उसके लिए हमेशा वो कैसा हो जाता है, अनफेवरेबल। लेकिन आने वाली स्पीशीज के लिए वो कैसा हुआ, इसी के अकॉर्डिंगली ये मॉडल्स हैं। फायदे वाला हुआ तो फैसिलिटेशन, लेकिन जो बदलाव है एनवायरनमेंट में वो नेक्स्ट आने वाली स्पीशीज के लिए, LSS के लिए, अगर फायदेमंद ना हो बल्कि कैसा हो, इनहिबिटरी हो जाए, अनफेवरेबल हो जाए।
है ना, अनफेवरेबल, तब इसे कहेंगे इनहिबिशन मॉडल। मतलब मेहमान आने की कोशिश कर रहा था, आपने दरवाजे पे रोक दिया, बोला बस वहीं खड़े रहो, दरवाजे के बाहर कुर्सी लगा दी, कहीं वहीं बैठो, ऐसा कुछ, ठीक है। सो इनहिबिशन मॉडल का मतलब ये है कि व्हेन द एलएसएस स्पीशीज विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ फेवर बिकॉज ऑफ द ईएसएस स्पीशीज, वहीं पर टॉलरेंस मॉडल में क्या देखने को मिलेगा, टॉलरेंस मॉडल में जो ईएसएस स्पीशीज है ये एनवायरमेंट को मॉडिफाई करेगी, इसके लिए हमेशा ये क्या होगा, अनफेवरेबल, लेकिन आने वाली स्पीशीज के लिए, एलएसएस के लिए, ये ना ही फेवरेबल होगा और ना ही अनफेवरेबल होगा। मतलब यहां जो भी बदलाव आएंगे वो ना ही फेवरेबल होगा, नॉट फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल, मतलब आप कुछ कह नहीं सकते यहां पर, ना ही फायदे वाला हुआ, ना ही नुकसान वाला हुआ, ना रोक रहा है, ना आने में मदद कर रहा है, किसी भी प्रकार से बेनिफिशियल नहीं है। तो अब यहां पर जो एलएसएस स्पीशीज है ये कैसे उस एनवायरमेंट में एंटर करेगी, ये एंटर करेगी अपनी टॉलरेंस एबिलिटी के बेसिस पर। इसकी टॉलरेंस एबिलिटी अगर उस एनवायरमेंट में जिंदा रखने के लिए या जिंदा रखने लायक है, वो अपने बलबूते पर उस एनवायरमेंट में टॉलरेट करके जिंदा रह सकता है तो वो रहेगा, बाकी ईएसएस स्पीशीज का कोई भी योगदान नहीं है, ना ही उसको आने में मदद और ना ही उसको रोकने में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस मॉडल। टॉलरेंस मॉडल के ऊपर ईएलएसएस अपनी टॉलरेंस एबिलिटी के बेसिस पर आता है किसी एनवायरमेंट के अंदर, जबकि इनहिबिशन मॉडल में जो ईएसएस स्पीशीज है वो एनवायरमेंट को इनहिबिटरी या अनफेवरेबल बना देता है एलएसएस के लिए, जबकि यहां पर उसे फेवरेबल टर्न कर देता है। ऐसी तीन बातें हैं, अगर पता है तो बाकी खत्म, क्वेश्चन आपका हो सकता है आप सॉल्व हो जाए। तो टॉलरेंस मॉडल याद है आपको, टॉलरेंस मॉडल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, जो भी एलएसएस स्पीशीज होगा वो अपनी दम पर, अपनी एबिलिटी के बेसिस पर वहां किसी एनवायरमेंट में पहुंचेगा और वहां पर अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करेगा, ना कि किसी की दया की वजह से, ना कि किसी के रोकने की वजह से। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो अर्लीस्ट ऑक्यूपाइंट इज, जो एनवायरमेंट है वो उसको कैसे मॉडिफाई करेगा, कौन, अर्ली ऑक्यूपाइंट मतलब ईएसएस कैसा मॉडिफाई करेगा, ना ही फायदेमंद बनाएगा ना ही नुकसानदायक, ऐसी कोई लाइन है, चेक करो। लेस सुटेबल फॉर द सबसिक्वेंट रिक्रूटमेंट ऑफ अर्ली सक्सेशनल स्पीशीज बट हैज लिटिल और नो इम्पैक्ट ऑन द सबसिक्वेंट रिक्रूटमेंट ऑफ लेट सक्सेशनल स्पीशीज, दैट इज ठीक ठाक लग रहा है पढ़ने में, आगे देखिएगा। लेस सुटेबल फॉर सबसिक्वेंट रिक्रूटमेंट ऑफ ईएसएस, हाँ जी सही बात है, ईएसएस के लिए तो वो लेस सुटेबल हो जाएगा। मोर सुटेबल, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो एलएसएस वाली स्पीशीज आएगी, आगे देखिएगा। मोर सुटेबल फॉर द सबसिक्वेंट, गलत बात, कभी भी जब ईएसएस एनवायरमेंट को मॉडिफाई करता है वो उसके लिए फायदेमंद कभी भी नहीं होती, ठीक है। आप भी अपने एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो क्या आपके लिए अच्छी हो रही है, जी नहीं, बल्कि धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, लेस सुटेबल फॉर द सबसिक्वेंट, हाँ जी दोनों के लिए गलत बात, ये तो इनहिबिशन में हो जाएगा। तो फिर अब ठीक ठाक जो आंसर है वो वन है, सो वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां लिख रखा है हैज लिटिल और नो इफेक्ट ऑन अ सुटेबल और सॉरी सबसिक्वेंट रिक्रूटमेंट ऑफ एलएसएस, ये ज्यादा बेटर स्टेटमेंट है, बाकी सबको हमने एलिमिनेट किया और आंसर मिल गया, समझे। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको बात समझी होगी, नहीं समझी होगी दो तीन बार इस वीडियो को देख लेना, जरूर समझ में आएगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन भविष्य में आते हैं, फ्यूचर में आते हैं, तो आई होप आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, थैंक यू।